फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाले हम रात के जो चावल बचते हैं ना, बचे हुए चावल के मेदू वड़े, यानी कि पके हुए चावल ना। हाँ, पके हुए चावल जो मतलब रात को बच जाते हैं, हम सुबह नाश्ते में उसको कैसे यूज करें, और जो दिन में बचते पका के भी बना सकते हैं। आज हम ये बनाने वाले हैं बचे हुए चावल के मेदू वड़े। हाँ। वैसे हमें किस किस के मेदू वड़े बनते हैं? मेदू वड़े बनते हैं ना, सूजी के बनते हैं, पोहे के बनते हैं। असली मेन जो मेदू वड़े हैं वो बनते हैं उड़द की दाल के, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं बचे हुए चावल के मेदू वड़े। साथ में कुछ चटनी वगैरह बनाएंगे ना? चटनी भी बनाएंगे हम, हरी चटनी बनाएंगे तीखी वाली। और सांभर? हाँ, सांभरों के साथ भी खाया जाता है, ये कोकोनट की चटनी के साथ भी खाया जाता है। अच्छा, चटनी बनाएंगे। हाँ, लेकिन चटनी की भी मेरी एक रेसिपी मैंने डाल चुकी हूँ, सिर्फ चटनी है उसमें, आप वो चटनी की डिश देख के भी ये बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि आज हमें बचे हुए चावल के मेदू वड़े बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम चावल, कोथमीर, हरी मिर्ची, रवा, चावल का आटा, अदरक, प्याज, दही, कड़ी पत्ता, जीरा, काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स। यहाँ पर हम लेंगे चटनी के लिए हरी मिर्ची, दही, जीरा, कोथमीर, लहसुन। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले बता दूं, मैं यहाँ पर दो वाटी चावल ले ली हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम चावल डाल देंगे मिक्सर में। पके हुए चावल ना? हाँ, पके हुए चावल है जो रात को, देखो चावल बच जाते हैं वो यूज में भी आ जाते हैं और हमारा चटपटा नाश्ता भी तैयार हो जाता है, तो हमारा दोनों काम हो जाता है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें चावलों में दही डाल के पीसने वाले हैं। लेकिन अगर कोई दही नहीं खाता है तो 2 से 3 चम्मच पानी भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दी हूँ चावल। अब यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ ये दही, ये थोड़ा थोड़ा हम डाल के पीसेंगे। ठीक है, आधा डालूंगी, फिर पीसूंगी, फिर आधा डालूंगी। अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं तो आप 2 से 3 चम्मच पानी डाल के पीस लेना। ठीक है, तो मैं इसको पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चावल अच्छे से पीस ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। ये अच्छा बारीक पीसी हूँ मैंने। अगर आप लोगों को 1-2 चम्मच पानी लगे तो डाल लेना, लेकिन इतना ही डालना कि आपके चावल पीस सके, हमको पतला नहीं करना है बेटर। जैसा मेरा चावल है इतना रहना चाहिए। ये तो तोफू बन गया अम्मी, तोफू। तोफू? उनके भाई बोल रहा था वो बनाओ। अच्छा, कसावा नहीं, उन्हीं के चावल जैसा रहता, रबड़ जैसा खाने का। हाँ, समझ गई। तो यहाँ पर अब मैं डालने वाली हूँ 2 चम्मच चावल का आटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ली हूँ। यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच रवा। ठीक है, अब हम डालेंगे इधर हरी मिर्ची। हरी मिर्ची तो देखो आप अपने हिसाब से डालना, आपको जितना तीखा खाने का है। अब डालेंगे हम 1 इंच का, मैंने अदरक का टुकड़ा ली थी जिसको मैंने बारीक कतर के डाल दी। अब हम डालेंगे इसमें 1 छोटे साइज की प्याज। यहाँ पे डालेंगे हम कोथमीर। इसके बाद डालेंगे हम कड़ी पत्ता। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा काली मिरी। 1 चम्मच डालेंगे हम जीरा। 1/2 चम्मच डालेंगे हम चिल्ली फ्लेक। ये सब चीज हमने इसमें ऐड कर लिए है। अब डालेंगे इसमें नमक। नमक मैं अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही, आप अपने हिसाब से डालना, कोई कम खाता है कोई ज्यादा खाता है ना। अब क्या करेंगे हम, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से हाथों की मदद से इसको मिला ली हूँ, ये एक डो की तरह सेट हो जाएगा। अभी 10-15 मिनट अभी हम इसको ढक के रख देंगे, क्योंकि हमने इसमें अभी सूजी डाले हैं, चावल का आटा डाले हैं, तो ये अच्छे से सोख ले और सूजी भी हमारी अच्छे से फूल जाए। इसके लिए अभी इसको 10-15 मिनट मैं ऐसे ही ढक के छोड़ दूंगी। ठीक है, तो चलो 15 मिनट हमारा डो सेट हो रहा है, जब तक हम क्या करेंगे, चटनी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ हरी चटनी, सिर्फ कोथमीर हरी मिर्ची वाली। ठीक है ना, इसके साथ आप कोई भी चटनी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कोथमीर, 2 हरी मिर्ची, इसके साथ मैं डालूंगी
चार पांच लहसुन की कली, ये तो एकदम कॉमन चटनी, एक चम्मच जीरा, ये कॉमन चटनी ही ज्यादा चलती है बेटा, हर घर में चलेगी, ये घर के सामान से बन जाती है ना। अब मैं यहाँ पे डालूंगी ये दो चम्मच दही। अब डालेंगे हम इसमें नमक। ये इतनी इजी चटनी है और सबकी फेवरेट है, हर घर में बन जाती है फटाफट, तो ये चटनी ज्यादा चलती है। अब हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर चटनी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है, इसको साइड में रख देंगे। अब आ जाएंगे हमारे बैटर पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सेट हो गया है अच्छा खासा, एकदम उपमा बन गया है, उपमा बन गया है, आटे के शेप में आ गया है डो। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक बॉल में पानी ले लेंगे, इसमें अच्छे से अपने हाथ गीले कर लेंगे ताकि हमारा डो हमारे जो हाथों पे जो चिपक रहा है ना वो ना चिपके। और यहाँ पे हमने तेल भी रख दिए है गर्म होने के लिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम धीरे धीरे उठाते जाएंगे। ये ऐसा डो हमारा देखो तैयार हो गया है, बॉल बना देंगे। हाँ, अब ये जो शेप में आपको बनाना है, टिक्की के शेप में बनाना है तो ऐसा टिक्की बना लीजिए, ये गोल सुराख करके आप मेदू वड़ा बना लीजिए। क्यों, सुराख करने से जो है अंदर तक अच्छे से सिक जाता है ये, है ना। इसके लिए इसको अच्छे से पहले पूरा सेट कर लेना, ताकि मिठाई लग रही है, ऐसा लग रहा है पिस्ता लगा के मिठाई, तेल वगैरह अंदर तक ना जाए, है ना। ये अच्छे से ये सुराख कर लिए हमने हाथों को जरा सा पानी लगा के, खट्टा कर देना, है ना। तो ये हमारा मेदू वड़ा सेट ले लिया है। अब हम इसको यहाँ पे रखते जाएंगे एक एक करके, तेल हमारा गरम हो रहा है। यहाँ पे मैं और ले लूंगी, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेदू वड़े तैयार कर लिए हैं, यहाँ पे भी अच्छे से, और तेल भी हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब क्या करेंगे हम, बिस्मिल्लाह डालते जाएंगे एक एक। मतलब जो शेप में बनाना है वो शेप में बना सकते हैं ना। हाँ हाँ, अपनी मर्जी, आपको सुराख करना है तो करिए, नहीं तो आप मेदू वड़ा ऐसा ही डाल दीजिए वड़े के शेप में पेटीज के। और अगर इसमें खड्डा नहीं करेंगे तो इडली बन जाएगी अपनी। नहीं नहीं, इडली तो नहीं बनेगी, पके हुए चावल की इडली। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दो से तीन मिनट अच्छे से पकने देंगे, कुरकुरे होने देंगे इसको, क्योंकि चावल तो पकेला है, हमको टेंशन नहीं है, बस हमको कुरकुरे फ्राई करना है सुनहरी हुए तक, ठीक है। तो यहाँ पर दो मिनट हो गए हैं हमको डाल के, अब हम इसको पलटी करेंगे। इसको डालने के टाइम पे थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर है ना तेल ऐसा डालते रहना ताकि ऊपर भी अच्छे से ये सेट हो जाए, ठीक है। अब हम इसको पलटी कर लेंगे, आराम से पलटी करेंगे दो चम्मच से। आप लोग देखते हैं हमेशा मैं दो चम्मच लेती हूँ पलटी करने के लिए, ताकि तेल आंख पे ना उड़े, क्योंकि चम्मच पे पलटी करने से तेल आंख पे नहीं उड़ता है, इस तरीके से। अब हम इसको अलटते पलटते अच्छे से सुनहरी हुए तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से फ्राई कर लिए है अलटते पलटते, अब हम इसको निकाल लेंगे। मस्त कुरकुरे बनते हैं ये नाश्ते। अब इसी तरीके से मैं सब फ्राई कर लूंगी। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना मेदू वड़ा, बचे हुए चावल का, बचे हुए चावलों का नाश्ता भी बोल सकते हैं। हमने शेप दे दिया इसको मेदू वड़े का। हाँ। लेकिन सही में हमने ना एकदम सेम टू सेम मेदू वड़े के शेप में बनाया है, और दिख भी वैसी रहा है, देखो ऊपर से क्रंची अंदर से नरम। और अगर ज्यादा क्रंची करना है तो इसको ज्यादा लाल करके फ्राई कर लो, है क्या नहीं, मगर है तो ये मेदू वड़ा मस्त। सही में कुछ अलग नाश्ता है यार, अभी के साथ हम एक ही नाश्ते को हर बार वही नजर से देख के खाते ना तो मन भी इतना भर जाता है, तो कुछ ना कुछ अलग नजरिया भी चाहिए नाश्ता, वही तो ऐसा घुमा के दो ना, हाँ आज कुछ अलग बनाया है, अच्छा बनाया, तो ये आप अपने घर वालों के साथ ऐसा कर सकते हैं। मस्त अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, ऊपर से क्रंची, है ना, और फिर कुछ नया भी। और ये रही चटनी भर के, ये हमें तीखे तो नहीं, मस्त। हाँ भाई, ये रहे अपना मेदू वड़ा नकली वाला, नकली मेदू वड़ा। अच्छा है ना, अगर आपके नंबर रात के जो चावल बच जाते हैं वो यूज में भी आ जाते हैं,
सुबह नाश्ता भी हो जाता, दोनों काम हो जाते। और क्या भाई, आप अपने बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो, है क्या नहीं? दो दो मेदू वड़ा दाल दिए, चावल का नकली वाला, है ना? मस्त, एक नंबर। और जरूरी ना, अगर चावल बचाए है तो ये बनाना। अरे काम चल रहा है, बाजू में आवाज आ रही है। आप लोग चावल बना के भी ये नाश्ता बना सकते हो। हाँ, दोपहर में भी तो जो चावल बनता है ना, उसमें से एक बाटी ले लिए और शाम की चाय के लिए फिर ये नाश्ता रेडी हो जाता है, है ना? अच्छा, कोई बोलेगा भी नहीं। वो मेदू वड़े के लिए कितना रहता है रात को चावल भी। अरे एक बात तो बोलने भूल गए, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये शूट हुआ है कैमरे से नहीं, हमारे फोन से। सच बताना, किस किस को जब से वीडियो देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था क्या कुछ गड़बड़े वीडियो में। आज तो कुछ अलग दिख रहा है, आज तो कुछ अलग हो रहा है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि किसने पहले ही पहचान लिया था कि ये वीडियो हमारे नॉर्मल जो रेगुलर कैमरे से शूट नहीं हुआ है, हमारे फोन से शूट हुआ है। तो थोड़ा आगे पीछे हुआ होगा, मुझे शूट करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, इतनी नहीं हुई है। बट हाँ, अगर अभी देखो कैमरा कब आएगा, 8-10 दिन तो जाएगा, तो हम फोकट तो नहीं बैठ सकते। और आप लोग का वेट भी करना बनता है, आप लोग वेट करते रहते हैं, तो इसलिए मैं बोली चल बेटा शुरू हो जाते मोबाइल से, तो मोबाइल से 2-4 वीडियो। जब मैंने स्टार्ट में शूट किया था, हमें इतना तो फर्क नहीं, देखो फर्क है बट इतना फर्क भी नहीं दिख रहा है। वो आप लोग बता ना कि कितना फर्क दिख रहा है आप लोगों को। ये छोटू सा मेरे यूसुफ के लिए बनाई, देखो मेदू वड़ा। और हुआ करना कि हम लोग कोई नया कैमरा ले तो वो अच्छा खासा ज्यादा टाइम चले। इंशाल्लाह नए कैमरे लेने की भी प्लानिंग है, कोशिश तो कर रहे हैं। इसमें चिली फ्लेक्स भी डालना। चटपटा बना है, मेन बात क्या, फीका नहीं है, चटपटा है। तो मुंह साफ हो गया है खा के। मुंह गंदा नहीं था, मेरा साफ ही था। मुंह साफ होना मतलब जरा जबान हरारत में आ जाती है चटपटा खा के। बोले हाँ हाँ, बुखार था 2 दिन से कुछ खाई नहीं, तो आज चटपटा खा के पूरी बुखार भाग गई। मेरी चटपटा खा के ना नाक हरारत में आ जाती है, नाक तुम फास्ट हरारत में आती होगी। क्योंकि हमने इसमें अदरक डाले ना, अदरक भी तेज रहता है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली वो भी तेज रहती है, चिल्ली फ्लेक हरी मिर्ची है ना, तो वो रात के चावलों को टेस्टी बना देता है, मस्त है ना। और फिर दही की खटास। और हाँ, पीसने के टाइम मैं बता दूँ आप लोगों को, बहुत से लोगों को दही नहीं चलता है, दही खाते ही नहीं है, तो वो लोग थोड़ा सा पानी डाल के पीस सकते। पानी डाल के इतना पीसना कि वो पीसे जा सके बेटर, ठीक है। उसके बाद में 2 चम्मच मैंने रवा और 2 चम्मच चावल का आटा डाली थी, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये मेदू वड़ा बना लीजिए, और सारे तेल में सिर्फ एक मेदू वड़ा पहले डाल के देखने का, पूरे एक साथ नहीं डालने का। मैं हमेशा बोलती हूँ पूरे एक साथ नहीं डालने का, फिर वो एक तो मेदू वड़ा डोसा बन जाएगा। नहीं नहीं, कभी कभार क्या होता है ना, चावल का आटा रवा बाइंडिंग अच्छी नहीं होती है, सेट नहीं होता है, तो तेल में जाके घुलने का डर होता है कोई डोसा बन जाएगा ना। तो इसके लिए एक तल के देख लेने का, अगर आपका मेदू वड़ा फैल रहा है या छूट रहा है तो 2 चम्मच या 1.5 चम्मच उसमें चावल का आटा और मिला लेना, उसके बाद फिर से बना लेना, तो नहीं टूटेगा, ठीक है। कभी कभी होता है पानी कम ज्यादा हम डाल देते पीसने में, तो मेजरमेंट आगे पीछे हो जाता है, इसलिए मैं बता दे रही, चावल का आटा बाद में आप मिला के इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और ये नई रेसिपी, नकली मेदू वड़ा, पुराने बचे हुए चावल का क्या, हाँ नाश्ता, मैंने इससे पहले भी पिछले साल बचे हुए चावलों का नाश्ता बना के डाली थी, आप लोगों ने बहुत पसंद किए थे, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लेना। और इसके साथ अगर स्पेशल कोई चटनी बनाना है तो मैंने चटनी की रेसिपी डाली हूँ 4 किस्म की, जिसने वो भी नहीं देखा है जाके देख लेना, ठीक है। तो भाई फिर से एक बार बोलूंगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, अगर हमारी रेसिपी पसंद आई होगी तो उसको थोड़ा शेयर कर देना। हाँ, और जो हमारे चैनल पे नया है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करो, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, चलते हैं। और जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दिया, तो उसको ओपन करो और फॉलो करो, चलते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, और मास्क जरूर पहनना। हाँ, बाय बाय बाय।